अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि PMSS की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रही है, वेरिफिकेशन भी चल रही है। इस बीच लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं, तो बहुत सारे मैसेजेस हमें आए थे। लाइव सेशन में भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे कि हमें कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर लो ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा कॉलेज है, कौन कौन से कोर्स के और टॉप कॉलेजेस कौन है और नॉर्मल कॉलेजेस कौन है। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे पूरी की पूरी लिस्ट, जितने भी कोर्सेज हैं PMSS में, सारे कोर्सेज की लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर लेंगे। चाहे BSc नर्सिंग हो, BTech हो, BPharm हो, उसके साथ BA आर्किटेक्चर हो, BA LLB हो, BA BSc BCom ऑनर्स किसी भी ब्रांच में है, सबका आपको यहाँ पे मिल जाए। उसके साथ साथ टॉप कॉलेजेस भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने देख लेना है, और टॉप कॉलेजेस के साथ साथ नॉर्मल लेवल के कॉलेजेस भी कौन है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर लूँगा। वीडियो पूरा एंड तक देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी लास्ट ईयर की अलॉटमेंट का, तो वो आपने यहां पे ये PDF डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या काम करना, यहां पे आपको दिखेगा कॉलेज का नाम भी और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से स्टेट में है, सिटी कौन सी है, सब कुछ यहां पे आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली क्या काम करना है, इस PDF को जो है अपने PDF रीडर में ओपन आपने उस PDF रीडर में इसे करना है जिसमें सर्च का भी ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इधर आपको ऊपर दिखेगा सर्च का एक ऑप्शन, यहाँ पे जिस PDF रीडर में ये होगा वही वाला PDF रीडर आप ओपन, उसी में आप ओपन कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे PDF रीडर्स यहाँ पे हैं जिनमें ये सब नहीं होता। तो आपने सिंपली क्या काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना है कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BSc नर्सिंग करना है तो सर्च वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टैप करना है आपने, यहाँ पर आपने करना सर्च BSc उसके बाद NUR नर्सिंग, तो ठीक BSc नर्सिंग सर्च किया आपने तो कर लेना है इसको सर्च। तो नर्सिंग जो ही आप सर्च कर लोगे यहाँ पे आपको 460 रिजल्ट दिखेंगे। यहाँ पे आपको अब आसानी होगी यहाँ पे कॉलेज ढूंढने में। देखिए यहाँ पे आपको वहीं से हाईलाइट करके आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ फिर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज यहाँ पे केरला है, उसके बाद यहाँ एड्रेस वगैरह दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा और भी BSc नर्सिंग कॉलेज आसाम में। इस तरह से आप जितने भी होंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे कॉलेज आपको मिलेंगे। ये इस तरह से आपने कर लेना और सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपने इस तरह से प्रिपेयर करनी है। उसके साथ साथ अगर आपने देख लेना है कि हाई लेवल के कॉलेजेस कौन है, तो उसके लिए आपने क्या काम कर लेना है, ये मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। हटाने के बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पेज पे आ जाना है। मैं डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने टॉप कॉलेजेस कैसे देखने। उसके बाद यहाँ पे आना है जिन स्टूडेंट्स की रैंक जो है अच्छी खासी है, अच्छे खासे परसेंटेज है, 490 के प्लस हैं या 480 के प्लस हैं, उनको ये वाले फर्स्ट एक दो पेज वाले, एक दो क्या चार पांच पेज वाले जो कॉलेजेस हैं वो उनको मिले होंगे। उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप कॉलेजेस कौन है। यहाँ पर इसी तरह से आप अगर फार्मेसी का देखोगे PHAR MA CY आपने यहाँ पर सर्च करना है, सर्च यूज करोगे यहाँ पर आपके पास फार्मेसी के भी कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो आपने इस तरह से अपने कॉलेजेस की जो है लिस्ट तैयार करनी है। जो भी आपको फॉर एग्जांपल अगर आप BSc करना चाहते हैं तो BSc का यहां पे सर्च कीजिए, उसके बाद और कोई ब्रांच में आप जाना चाहते हैं उसका यहां पे जो है आपने सर्च करना है और आपको कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। अब अगर बाय द वे यहां पे ऐसे ना मिले तो आप डायरेक्टली PDF को वन बाय वन छान सकते हैं। ऐसे यहां से आपको इधर इस वाले साइड राइट वाले साइड आपको दिखेगा कोर्सेज, यहां पे दिखेंगे आप राइट साइड, ऐसे यहां पे BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो आपके पास अभी टाइम है, आप बना सकते हैं लिस्ट, क्योंकि मेरे पास तो इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि इसको लगभग आपको एक दिन तो लग ही जाएगा, तो उतना टाइम नहीं होता, स्टूडेंट्स की कॉल्स वगैरह आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद लिस्ट को तैयार कर देंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, बाकी स्टूडेंट्स भी देखेंगे। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है चॉइस फिलिंग वगैरह का, आप अपनी लिस्ट जो है उसको तैयार करके रखें। और कॉलेजेस के बारे में आप स्पेशली जो साउथ के कॉलेजेस आपको आ जाएंगे लिस्ट में, उनके बारे में आप अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना कि लैंग्वेज का इशू तो नहीं है कहीं पर, और लैंग्वेज का कोई मसला तो इसमें नहीं होता है। तो इस तरह से आप कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे चाहे BA BSc BCom ऑनर्स एग्रीकल्चर HMCT जो भी होगा आपका होटल मैनेजमेंट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कॉलेजेस की लिस्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। गूगल वगैरह से आप ढूंढोगे वहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट लेटर से ही मिलेगा, अलॉटमेंट लिस्ट जो है उसमें मिलेगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेता हूँ। इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में